हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेकर आई। टीनेजर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमको अपने फेस पे कौन सा फेस पैक यूज करना चाहिए। बट मैं यही रिकमेंड करूंगी, बाहर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कम से कम 80% चीजों में केमिकल मिक्स रहता है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम सिर्फ 20% के ही प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एकदम नेचुरली होते हैं। एलोवेरा जेल को भी बनाने के टाइम पे बहुत सारी चीजों में केमिकल यूज किया जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप घर पे ही फेस पैक बनाकर अपने फेस पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी स्किन बहुत ज्यादा प्यारी होती है और कोई भी अपने स्किन के साथ रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे फेस पैक लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारी नेचुरल चीजें यूज की है जो हमारे घर पे हमको आसानी से मिल जाएगी, तो आपको बाहर जाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन आइकन रहेगा उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पहला फेस पैक रेडी करने के लिए मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो है 1 चम्मच बेसन। बेसन हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बेसन यूज़ कर रही हूँ। और मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है संतरे का पील पाउडर। ये मार्केट में आपको ईजी मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच संतरे का पील पाउडर यूज़ किया है। और मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है हनी। मैं यहाँ पे पतंजलि का 1 चम्मच हनी यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो हनी, जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करते हो। अब मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लूँगी। फाइनली मेरा फेस पैक एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले हमको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि हमारा फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए। आप चाहें तो फेस को क्लीन करने के लिए वेट टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने हेयर्स की अच्छे से पोनीटेल बना लें ताकि वो आपके फेस पर बिल्कुल ना आए। अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। इसमें मैंने बेसन यूज़ किया है जो हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और हमारे स्किन को ब्राइट ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बेसन हमारे स्किन के टैन को भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पर अच्छे से रखना है और 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको वॉश कर लिया है और मेरा फेस जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्लोइंग और एकदम ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। इसमें मैंने हनी यूज़ किया है। हनी भी हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, वो हमारे स्किन को सॉफ्ट रखती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करती है। तो आप देख सकते हो फेस पैक का इफेक्ट कितना अच्छा मेरे फेस पर आया है। तो गाइज मेरा सेकेंड फेस पैक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टर्मरिक यानी कि हल्दी 1 चम्मच। मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है नींबू यानी कि लेमन। इसकी मुझे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, मुझे मुश्किल से 3 से 4 बूंद यूज़ करना है, इतना हमारे फेस के लिए एकदम सफिशिएंट है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं गुलाबरी का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो फाइनली मेरा सेकेंड फेस पैक रेडी हो गया है, अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँ। तो गाइज इसको भी अप्लाई करने से पहले हमारा फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए। आप चाहें तो वेट टिश्यू यूज़ कर सकते हैं या फिर फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छे से पोनीटेल भी बांधे रहना है। अब मैं इसको अपने फेस पर हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करूँगी। इसमें मैंने हल्दी यानी कि टर्मरिक यूज़ की है जो हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लोइंग और साथ ही साथ हमारे स्किन का कलर टोन भी इवन करने में और ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद मैंने इसमें लेमन यूज़ किया है। लेमन भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे फेस को क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें दही यूज़ किया है। दही हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके बाद मैंने इसमें रोज़ वाटर यूज़ किया है। रोज़ वाटर हमारे फेस को हाइड्रेटेड करता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे रखना है और उसके बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से सूख गया है और अब मैं अपने फेस को वॉश करूँगी। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मेरा फेस पहले से बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्लोइंग और एकदम ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ ही गया है तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे लाइक्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।